छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति में दुष्कर्म पर सियासत जारी। एक तरफ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर 2019 में नाबालिग से दुष्कर्म करने का बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी के प्रत्याशी पर सवाल खड़ा कर दिया। दुष्कर्म जैसे जिन्होंने कृत्य को करने वाले नेता को उम्मीदवार बनाए जाने पर ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द करने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को षड्यंत्र बताया है और उसका जवाब भानुप्रतापपुर उपचुनाव के दौरान जनता उन्हें खुद ब खुद दे देगी, ऐसी बातें कही हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की माने तो 2019 का यह मामला है। कांग्रेस का ये जो आरोप है वो तथ्यहीन है, मर्यादा के विपरीत आरोप है। चुनाव में इस प्रकार से आरोप नहीं लगाए जाते। हमारी मांग है मोहन मरकाम जी से और भूपेश जी से कि 4 साल में भानुप्रतापपुर विधानसभा में उन्होंने क्या क्या काम किया है, विकास के काम का खाता बही लेकर के चुनाव मैदान में जाएं। हम उनको बताने वाले हैं कि भानुप्रतापपुर का पूरा विधानसभा विकास से कोसों दूर है। उनके कहने से क्या होता है, अच्छा 18 तारीख को क्यों नहीं गए, जिस समय नामांकन पत्रों की जाँच हो रही थी, स्क्रूटनी हो रहा था, क्या पूरी कांग्रेस पार्टी मोहन मरकाम जी गहरी नींद में लीन थे, उनके वकील क्या कर रहे थे। 3 साल पहले का मामला है, 2019 का मामला है और 2022 में वो उजागर कर रहे हैं। इतने दिन तक झारखंड की पुलिस क्या कर रही थी, एक भी संबंध ब्रह्मानंद नेताम को जारी हुए क्या, और अगर जारी हुए तो किस दिन जारी हुए, कोई नोटिस जारी हुआ है, कोई गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, क्यों नहीं किया। कांग्रेस का ये जो आरोप है वो तथ्यहीन है, मर्यादा के विपरीत आरोप है। चुनाव में इस प्रकार से आरोप नहीं लगाए जाते। हमारी मांग है मोहन मरकाम। तो इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। स्वरूप, सबसे पहला सवाल कि लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस जो है वो दुष्कर्म से संबंधित जो तमाम आरोपी लोग हैं ऐसे लोगों को मौका दे रही है। इधर अब कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद नेताम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। स्वरूप, जो बात आप बोल रहे हैं, ब्रह्मानंद पटेल आज की स्थिति में वास्तव में जो स्थिति जो दिख रही है, जब से रेप कांड का जो खुलासा जो हुआ है, हालांकि ये मामला जो है 2019 का है, 2019 में झारखंड से लगा हुआ था, वहां पर हुआ था और इसको लेके जो मामला, इसे एक आरक्षक भी पता हुआ था। यह आरक्षक रायपुर में पदस्थ था, जिसके बाद जब ये मामला उजागर हुआ, उपचुनाव का 5 तारीख को मतदान होना है, अब जब उजागर हुआ है तो सबसे पहले रायपुर एसएसपी ने उस आरक्षक को कल ही तत्काल उसे सस्पेंड कर दिया। उसके बाद फिर जब उसमें नाम ब्रह्मानंद पटेल, ब्रह्मानंद के नेताम का भी जब आने लगा, तब उस पर छीटाटछीट होने लगी। कांग्रेस को एक मौका मिला, कांग्रेस को मौका मिलने के बाद जब उस पर हावी हुई कांग्रेस, अब जाकर बीजेपी उस चीज का, उस बात को लेकर कह रही है कि इसमें जो पीड़िता का नाम उजागर किया है, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मरकाम ने किया है, उस ये आपराधिक मामला दर्ज होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये उपचुनाव को लेकर जो मामला जो सामने आ रहा है, देश हद तक जा रहा है और इसमें आरोप और प्रत्यारोप दोनों एक दूसरे पर हावी होते जा रहे हैं। राहुल, स्वरूप, एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए एक महिला प्रत्याशी मैदान में है और दूसरी तरफ ओम माथुर से लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो ब्रह्मानंद नेताम के बचाव के लिए सामने आ चुके हैं, तो क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्या बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है? देखिए, उपचुनाव का ऐसा मामला है। दूसरी बात है कि बीजेपी की जो सबसे स्ट्रेटेजी जो बनाई गई थी, बीजेपी ये चाह रही थी कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरेगी, लेकिन ये अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। जब ब्रह्मानंद नेताम का नाम एक आपराधिक केस में फंसता है और उसमें उनका नाम आता है सामने, तो कांग्रेस को एक सबसे बड़ा मौका मिलता है कि एक ऐसा प्रत्याशी जिसके नाम पर रेप का मामला दर्ज है और उस मामले को अब तक सुलझाया नहीं गया है, और भाजपा जानते हुए भी ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाई है। अब कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में सवाल तो उठता ही है। अब प्रत्याशी, अब जो स्थिति ऐसी है कि प्रत्याशी का नाम तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन अब इसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस अब आम जनता के बीच जा रही है कि ऐसे प्रत्याशी को भाजपा ने जानबूझकर खड़ा किया है जो एक महिला की सुरक्षा को तारतार करता है। लेकिन अब स्थिति ये बन रही है कि कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ आया है, चुनौती भाजपा के लिए काफी बढ़ गई है। अब आरक्षण का जो मुद्दा को लेकर वो भाजपा चल रही थी, अब वो पीछे हो चुका है। अब अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत जो है, एक बहुत बड़ी डिटेल जो है वो हमारे साथ साझा की है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की पूरी कोशिश कर रही थी, पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद नेताम को लेकर ये जो कांग्रेस ने बड़ा खुलासा किया है, बड़ा आरोप लगाया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है।